गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड मम्मी का हम करवाने गए थे हॉस्पिटल। आज मम्मी के थे टेस्ट, KFT टेस्ट था, अल्ट्रासाउंड KUB विथ PR टेस्ट था एंड यूरिक टेस्ट था। तो मम्मी के टोटल 3 टेस्ट हुए, तो उसमें हमें टाइम लग गया एंड अभी आए। एंड मैं अभी इतनी जल्दबाजी में, बिकॉज मेरा अभी मेकअप है, मुझे मानेसर जाना है, 1 बजे कैब लेने आ जाएगी, तो 2 घंटे है बस। मैं फटाफट अभी मेरे को हेड वॉश वगैरह करना है, रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड मेरा वैनिटी बैग भी रेडी है, कैब करी हुई है, बस मैं कैब का वेट कर रही हूँ। जल्दी से बस कैब आए एंड मैं जल्दी से वेन्यू पर पहुँचूँ। एंड वेन्यू पर पहुँचने में एटलीस्ट 2 आवर्स तो लगी जाएगी, बिकॉज मानेसर थोड़ा दूर है एंड इस टाइम पे ट्रैफिक भी रहता है। बस 3 बजे तक मुझे पहुंचना है वहाँ पे, तो देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। 2 घंटे लगे हमें यहाँ पे पहुँचने में एंड बहुत ही ज़्यादा दूर था, मानेसर से भी आगे रहा था। एंड मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, यू कैन सी आसपास सारा सिर्फ जंगल जंगल ही है, कुछ भी नहीं है आसपास। ये है रिजॉर्ट का नाम, बेस्ट वेस्टर्न। अभी अभी मुझे मोर दिखा है रिजॉर्ट में, ये रहा मोर, कितना प्रिटी है। मैंने आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मोर देखा है, आज तक बस मैंने मूवीज़ वगैरह में या लोगों के स्नैप्स में ही देखा था, बट आज मैंने खुद से भी विटनेस कर लिया है। बहुत ही प्रिटी फेदर्स है। रिजॉर्ट में पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है, अमेजिंग राइड्स है एंड यहाँ पे ट्रेन भी है। बहुत मेरा तो मन कर रहा है, मतलब बचपन ही याद आ गया एंड लिटरली मन कर रहा है जाकर मैं भी राइड्स लूँ, बट वो अभी मना कर रहे हैं कि ये बच्चों के लिए है, तो ट्राई करती हूँ मैं भी राइड्स लेने का। तो मेरे बैग में मुझे ये राइड दिख रही है स्लाइडिंग, बचपन में तो बहुत करी है, फिट भी नहीं हो पा रही मैं। एंड ये राइड से भैया 4 लोग चाहिए इसके लिए भी ना, बाकी कोई राइड्स मेरे लायक नहीं है, 300 राइड्स के लिए भी 2 चाहिए। एंड मैंने ये वाला भी राइड ट्राई करा है, बट बहुत डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब मैं गिर ही जाऊँगी, नहीं हो पाया। फाइनली मुझे अपने लायक राइड मिल गई है एंड लिटरली अभी भी ऐसे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ, तो ज़्यादा मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊँगी इसका, क्योंकि स्टिल है तो सही है बच्चों के लिए। अमेजिंग। मेकअप का सेटअप रेडी हो चुका है, बस अभी क्लाइंट की वेट है, तो जैसे ही वो आते हैं तो मैं मेकअप अपना स्टार्ट करती हूँ। आंटी का मैंने मेकअप कर दिया। आंटी आपको कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आंटी ने बिल्कुल नेचुरल मेकअप के लिए बोला था एंड आंटी ने बहुत ही प्रिटी साड़ी वेयर कर रखी है, आंटी बहुत सुंदर लग रही है। दिस इज माय सेकंड मेकअप ऑफ द डे और जस्ट क्लोज योर आईज मैम एंड शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस। आपको कैसा लगा मेकअप? वेरी नाइस, वेरी वेरी हैप्पी विद द मेकअप, वेरी सटल एज आई वांटेड। यस, थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। वेलकम। फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ, मैं आई हूँ 12:30 घर वापस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था आज। वैसे मेकअप के लिए हमें बुलाया गया था जल्दी, बट आते आते उन लोगों ने 7 बजा दिए, शाम के 7 से 7:30 के बीच में आए एंड तब तक हमने सबको रेडी करा, बाकी पूरी टीम भी गई हुई थी एंड 10 बजे तक हम लोग फ्री हुए, वहाँ से कुछ खाया पिया एंड उसके बाद फिर हम निकले। 2 घंटे का तो रास्ता था एंड फिर हमको धीरे धीरे ड्रॉप करना, फिर 12:30 में आई घर एंड मैं बहुत ही ज़्यादा नींद में इस पर एंड मैंने खा तो लिया था वहीं पे, मैंने पाव भाजी खाई थी वहाँ पे, तो मेरा भी डिनर करने का भी कोई मूड नहीं है। सो मैंने जो अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड करा था जिसमें मैंने अमेजिंग प्लेटर शेयर करा था, आप लोगों को वो प्लेटर कैसा लगा? लाइक 280 रुपीज़ में इतना अच्छा प्लेटर एंड मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कॉमेंट्स आए थे, तो मैं आप लोगों के कॉमेंट्स रीड कर देती हूँ उस ब्लॉग के। पहला कमेंट है सुनिधि शर्मा का, माउथ वाटरिंग प्लैटर, यू गिव सो पॉजिटिव वाइब्स एंड आपका फेस शेप ऑलवेज परफेक्ट था, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच सुनिधि शर्मा एंड यस, लिटरली वो माउथ वाटरिंग प्लैटर था।
सेकेंड कॉमेंट है फिलोसफिकल फूडी का, वाओ दैट टाइटल लुक सो यम एंड आप और ऐसे बाहर जाने के व्लॉग्स बनाओ आंटी के साथ, आज व्लॉग डिफरेंट एंड अच्छा लगा, लव्ड इट, थैंक यू सो मच फिलोसफिकल फूडी। यस मैं मम्मी को अपने साथ आगे से लेके जाया करूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि वंस इन अ वीक मैं ऐसे ही बाहर जाके आपको अच्छे अच्छे डिशेज अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स का व्लॉग बना के दिखाऊँ। थर्ड कॉमेंट है दलजीत कौर का, वेरी नाइस ब्लॉग, आप अपने फेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हो प्लीज़ बताना। सो मेरे पास ऐसे बहुत से कॉमेंट आए थे, मैं आपको आगे भी रीड करके बताती हूँ। एक कॉमेंट है हैप्पी लाइफ का, पूजा जी कैन यू शेयर योर कार्डियो एक्सरसाइज रूटीन, ब्यूटीफुल वीडियो। एंड उन्होंने ही बोला था कि कैन यू प्लीज़ मेक ढोकला एंड कैन यू प्लीज़ शेयर योर फिटनेस रूटीन टू। मेरी फिटनेस रूटीन कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने जैसे पहले वाले ब्लॉग्स में बताया, मैं चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मोमोज, वाइट सॉस पास्ता, पिज्ज़ा सब मैं बहुत खाती हूँ, बर्गर्स, एक्स्ट्रा चीज़ बर्गर। मैं आगे से ना ट्राई करूँगी, मैं जो भी खाऊँ मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करा करूँ, सो दैट आप जान सको कि हाँ मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ। बट या मेरा ये रहता है, ट्राई करती हूँ कि मैं वीक में एटलीस्ट 4 टाइम मैं कार्डियो वर्कआउट कर सकूँ एंड फेस के लिए जो मैं एक्सरसाइज, फेस लाइक वैसे तो और स्लिम ही है मेरा, बट जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो यहाँ पे थोड़ी सी ना डबल चिन आने लग जाती है, आई डोंट नो व्हाई, ये चीज़ ना हैवी होने लग जाती है, तो इसलिए मैं इसकी एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। बट यस मैं आप लोगों के साथ जल्दी अपना जो भी मैं कार्डियो वर्कआउट करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेली मैं अलोंग विलोंग करती हूँ, आज तो बहुत सी बातें हो गई है, तो हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मैं अब जा रही हूँ सीधा सोने के लिए, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा तो अभी करिए। तो हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।